Welcome students in the next session of today's class. So, इससे पहले वाले सेशन में हमने बहुत ही अच्छी तरह से वाटर वास्कुलर सिस्टम और मैड्रिपोराइट कैनल को डिस्कस किया, सारे कंसेप्ट को क्लियर किया. ठीक है, अब इकाइनोडर्मेटा में आगे बढ़ते हैं. ठीक है, कुछ और कैरेक्टर्स को देखते हैं इकाइनोडर्मेटा का. इकाइनोडर्मेटा, तो बच्चों अगर हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा के बॉडी का, तो इसका बॉडी कैसा है? द बॉडी ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज अनसेगमेंटेड. ओके, बॉडी इज अनसेगमेंटेड. उसके बाद इसका शेप कैसा होता है बॉडी का? बॉडी शेप इज और कैन बी, इट शेप कैन बी स्टार लाइक. ये स्टार की तरह इसका बॉडी दिखता है. ठीक है, देन डिस्कॉइडल, स्फेरिकल, स्फेरिकल भी हो सकता है, और इलोंगेटेड. ओके, नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो हेड. यहां पे हेड नहीं पाया जाता, no head is present. तो ये भी important point है as per as NEET is concerned. ठीक है, इसका body जो है ये unsegmented है. unsegmented होने के बाद इसका जो shape है कैसा हो सकता है? it can be star like, it can be discoidal, it can be spherical or elongated. ठीक है, और यहाँ पे head नहीं पाया जाता, head is not present. okay, now अब अगर हम बात करें स्टार लाइक, तो स्टार लाइक सुनते ही हमारे मन में एक एग्जांपल आ जाता है, स्टार फिश. ठीक है, स्टार फिश नाम का जानवर हमारे दिल और दिमाग में छा जाता है, और काफी लोग क्यूरियस रहते हैं स्टार फिश के बारे में. बचपन में तो हम बहुत ज्यादा क्यूरियस होते थे इस फिश के बारे में जानने के लिए. ठीक है, तो ये जो स्टार फिश है ये स्टार की तरह दिखेगा. ओके, तो देखते हैं इसका जैसे स्ट्रक्चर. Like this, star like. अब यहां पे तीन और बनाने हैं. ठीक है, layers की तरह. One more. देखो बच्चों, जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है, जूलॉजी है. अब ये जो बॉडी वॉल है, ठीक है, स्टार फिश का, इसमें क्या खुलेगा? तो अभी जो हमने आपको पढ़ाया था वाटर वास्कुलर सिस्टम, वहां पे मैंने आपको ट्यूब फिट के बारे में बताया है. ठीक है, ट्यूब फिट, दिस ट्यूब फिट विल बी प्रेजेंट हियर. इसको मैं किसी और पेन से ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए रेड इंक से मैं इसको बना रहा हूं. ये ट्यूब फिट जो है आपको मान लीजिए यहां पे मिलेगा, ये देखिए इस लेयर के बीच में मिलेगा, यहां पे ट्यूब फिट मिलता है. ठीक है, कुछ इस तरह से आउटर लेयर. ठीक है, और ट्यूब फिट में क्या था? सकर्स पाया जाता था, इस तरह पोडियम सकर्स एंड व्हाट एम्पुला, ये ट्यूब फिट यहां पे देखने को मिलेगा हमको. ठीक है, उसके बाद सेंट्रल में हमको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसको हम सेंट्रल डिस्क कहते हैं या ऑसिकल्स. दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डिस्क.
DISC or ossicle, OSSICLE. After that, there will be an opening. It is called as mouth. देखो सेंट्रल डिस्क के बीचों बीच क्या है, ओपनिंग है जिसको हम माउथ कह रहे हैं. इट इज प्रेजेंट, दिस माउथ इज प्रेजेंट वेंट्रली. ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा कि माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है, ऊपर या नीचे, तो हम क्या कहेंगे, माउथ नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑन द वेंट्रल सरफेस. आफ्टर दैट ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया. सपोज ये बीच वाला, ये जो थर्ड वाला, सेकेंड वाला जो लेयर बनाया हुआ है ना, मिडिल वाला, ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको ट्यूब फिट दिख रहा है. वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये तो मैंने आपको बताया है, ये ट्यूब फिट है. ओके, तो ये हो गया स्ट्रक्चर स्टारफिश का, थोड़ा बहुत आप लोग को क्लियर हुआ होगा. ठीक है, स्टारफिश What type of view it is? Oral view. Oral मतलब ventral view. ये हम नीचे की तरफ से देख रहे हैं क्योंकि इसका जो mouth है वो ventrally पाया जा रहा है. Okay, next. Next अगर हम बात करें बच्चों, तो इसका anus कहाँ है? ठीक है, इस starfish का फिर anus कहाँ मिलेगा? अगर mouth नीचे की तरफ मिल रहा है तो anus कहाँ मिलेगा हमें, वो भी तो देखना पड़ेगा ना. Now the anus will be on the dorsal surface. ठीक है, ऊपर की तरफ होगा. Like this. अच्छा, इसको मैं नेक्स्ट पेज में बनाता हूं. आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो. ओके, Like this. ये तो ventrally हो गया. ventrally क्या मिलता है, mouth मिलता है, और dorsal यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको anus मिलेगा. ये ऊपर हो गया anus. Now here only there will be madreporite. इस area में कहीं पे आपको ये madreporite मिला, और already मैंने आपको बोल दिया ये madreporite क्या होता है. तो madreporite से क्या एंटर करेगा, वाटर एंड फूड. ठीक है, इन द सिस्टम मैड्रिपोराइट. ठीक है, ये मैड्रिपोराइट कैसा स्ट्रक्चर है, परफोरेटेड स्ट्रक्चर है, पोर्स होते हैं इसमें, परफोरेटेड. गॉट इट, ये हो गया स्टारफिश का एबोरल व्यू. स्टारफिश एबोरल व्यू, ABORAL. एबोरल का मतलब माउथ का ऑपोजिट, ओरल का ऑपोजिट एंड, एबोरल व्यू. ठीक है, VEIW. ठीक है, तो बच्चों जैसा मैंने कहा कि माउथ जो है यहाँ पे, माउथ विल बी प्रेजेंट वेंट्रली एंड एनस विल बी प्रेजेंट डॉर्सली. तो बच्चों यहाँ पे जो वेंट्रल सरफेस है उसको हम क्या कहेंगे, ओरल सरफेस, और जो डॉर्सल सरफेस है उसको हम क्या कहेंगे, एबोरल सरफेस. ठीक है, तो ओरल और एबोरल सरफेस आपको यहां पे क्लियर होना चाहिए. ठीक है, नीचे की तरफ माउथ है, ऊपर की तरफ एनस है. ठीक है, और डॉर्सली ही हमको मैट्रिपोराइट भी मिल रहा है. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इफ इट इज क्लियर, राइट डाउन यस. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर अलवी सुहेल अहमद इज गेटिंग द साउंड. कौन हंस रहा है अलवी सुहेल अहमद? No one is laughing. Okay, next. अब आगे बढ़ते बच्चों. तो जैसा मैंने कहा था सर्कुलेटरी सिस्टम या वास्कुलर सिस्टम के बारे में यहां पे, तो इधर कैसा होगा वास्कुलर सिस्टम? इट विल बी ओपन टाइप, ओपन वास्कुलर सिस्टम. ओके, विथ हेमल, HAEMAL, हेमल एंड पेरी हेमल सिस्टम. ठीक है, अब हेमल और पेरी हेमल सिस्टम क्या होता है आप लोग को पता है. ठीक है, अब ये जो वास्कुलर सिस्टम होता है, या अगर बात करें इकानोडर्माटा का बॉडी होता है,
इसमें हार्ट नहीं होता, ठीक है, ब्रेन तो होता ही नहीं है, हार्ट भी नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं यहां पे दिस इकाइनोडर्माटा इज ब्रेनलेस, ब्रेनलेस एज वेल एज हार्टलेस, दे आर हार्टलेस फेलो एज वेल एज ब्रेनलेस फेलो, व्हाट अ जोक, यस और नो? ठीक है, तो ब्रेनलेस भी है और हार्टलेस भी है, इसमें दिमाग भी नहीं होता और दिल भी नहीं होता, तो सोचेगा कहां से, समझो, है कि नहीं? ओके, सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन, दे डोंट हैव ब्रेन एज वेल एज, ओके, एंड दे डोंट हैव हार्ट ऑल्सो। नेक्स्ट नेक्स्ट हम चलते रेस्पिरेशन के ऊपर, इसका ये रेस्पिरेशन कहां से करेंगे, ठीक है। अब बच्चों अगर हम रेस्पिरेशन का बात करें तो ये जो रेस्पिरेशन करता है उस स्ट्रक्चर का नाम है डर्मल ब्रैंकिया, ठीक है, और पैकुली, और ये ज्यादातर इसमें पाया जाता है, क्या नाम है, स्टारफिश में पाया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। तो एक एक करके हम सब देखेंगे, रेस्पिरेशन यहाँ पे देख लेते हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। तो बच्चों जैसा मैंने कहा कि जो रेस्पिरेशन है डिफरेंट डिसीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होगा, ठीक है। जैसा अगर हम बात करते हैं स्टार फिश से, तो अगर मैं स्टार फिश का बात करूं तो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, स्टार फिश, इन स्टार फिश द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय डर्मल ब्रैंकी, DER, डर्मल मतलब स्किन, DRANCHIAE, डर्मल ब्रैंकी। इस डर्मल ब्रैंकी को हम पैपुली कहते हैं, ठीक है, PAPULAE, पैपुली, ओके। और ये डर्मल ब्रैंकी और पैपुली ज्यादातर केसेस में हमको देखने को मिलता है, ज्यादातर इकाइनोडर्माटा में अगर देखने को कोई स्ट्रक्चर मिलता है तो ये डर्मल ब्रैंकी ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द इकाइनोडर्म्स, ओके। तो ये तो हो गया डर्मल ब्रैंकी का बात। नेक्स्ट ब्रिटल स्टार में जो है, ब्रिटल स्टार में किस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा वो देख लेते हैं। ब्रिटल मतलब थोड़ा ये इतना सॉलिड नहीं होता, ब्रिटल, ब्रिटल मतलब जो टूट जाता है, ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार में हमको जेनाइटल बर्सी देखने को मिलता है, ठीक है। इन दिस ब्रिटल स्टार द रेस्पिरेशन विल बी परफॉर्म बाय जेनाइटल, GENITAL BURSAE, ठीक है, जेनाइटल बर्सी। देन इन केस ऑफ सी क्यूकुम्बर, CUCUMBER, सी क्यूकुम्बर में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो होता है इट इज बाय क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री, CLOACAL। आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर का नाम याद रखना है, ठीक है, विद द एग्जाम्पल क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री। इफ एनीबडी रिमेंबर व्हाट इज क्लोएका, अगर आपको को याद है क्लोएका तो जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्या होता है क्लोएका। इन सी अर्चिन इट ऑकर्स थ्रू पेरिस्टोमियल गिल्स, एंड फाइनली वन मोर स्ट्रक्चर दैट इज ट्यूब फिट ऑल्सो, ठीक है। देखिए ट्यूब फिट भी मैंने बताया था आपको, आपको याद होगा, दैट इज बाय ट्यूब फिट, बाय ट्यूब फिट इन मोस्ट ऑफ द, इन मोस्ट लिखने अच्छा है कि हम लोग लिखे इन ऑल द इकाइनोडर्म्स, जितने भी इकाइनोडर्म्स है उसमें ये ट्यूब फिट से भी रेस्पिरेशन होता है। ऑलरेडी मैंने ये आपको लिख करके दिया था, उस समय लोकोमोशन भी बताया था, उसके बाद रेस्पिरेशन भी बताया था, और एक फंक्शन था, क्या बोला था मैंने, वन मोर फंक्शन, यस, फ्रॉग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके, एनस प्लस स्पर्म डक्ट, ठीक है, डक्ट, ओके, ट्यूब।
तो ये बच्चों देखो, ये हो गए कुछ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जैसे डर्मल ब्रैंकी, जेनिटल बार्सी, क्लोइकल रेस्पिरेटरी, पेरिस्टोमियल गिल्स एंड ट्यूब फिट। ठीक है, ट्यूब फिट जो है ये लगभग सभी इकैनोडर्म्स में हमको देखने को मिलता है। तो अब चलते हैं बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो बच्चे आप सुनो ध्यान से, यहाँ पे जो है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, इट इज एब्सेंट। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। ठीक है, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है तभी कहां से बाहर आएगा, तो ऑब्वियस बात है बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। ठीक है, सिस्टम तो यहाँ पे है नहीं, सो द एक्सक्रीशन विल टेक प्लेस थ्रू व्हाट। सो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन होगा इट विल टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, इट विल टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन from the body surface। ये body surface के through diffuse होकर के बाहर जाएगा, समझ गया बात को। और यहाँ पे जो excretory waste है it will be ammonia, as you know that it is a aquatic organism। तो aquatic organism में जितने भी होते हैं basically वो क्या release करते हैं, ammonia release करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं excretory matter is ammonia and the organism is called as ammonotelic। Okay, now apart from that यहाँ पे किसी में आपको respiratory tube fit भी मिल जाएंगे। ठीक है, as a excretory जहाँ से excretion होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक note type से लिख सकते हैं note। In some echinoderms, excretion can also be done by bursae, that is genital bursae, then respiratory tree, and tube fit। ठीक है, तो tube fit का एक और रोल यहां पर आपको मैंने दिया, excretion में भी help। ओके, डिफ्यूजन का मतलब पूछ रहा है समीर अली। ठीक है, ओके समीर अली, यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन। तो देखो, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस, वन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, ऑफ यू कैन से ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग जब ये पढ़ोगे बोटनी में, आप पढ़ोगे एक चैप्टर है वहां पे प्लांट फिजियोलॉजी का, पहला चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा बोटनी का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे आपको दो पार्ट दिखाया जाएगा, एक बताया जाएगा डिफ्यूजन और एक बताया जाएगा आपको ऑस्मोसिस। ओके, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बताया जाएगा। अब डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट का बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट पे क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, विदाउट एटीपी, यहाँ पे एटीपी का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता। लेकिन अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बात करें तो यहाँ पे मूवमेंट कैसे होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पे लो से हाई की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पे मूव करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, एटीपी का जरूरत होता है, समझ गए यहाँ पे। तो ये जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन में भी क्या होगा, इट इज द प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स विल बी डन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, समझ के बात को, यहाँ हाई टू लो मूव करेगा, दैट इज थ्रू डिफ्यूजन। ओके, अब यहाँ पे आप बात करोगे तो अमोनिया रिलीज कर रहा, तो अमोनिया जो है रिलीज कर रहा, तो बॉडी में अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू आउटसाइड। सपोज ये हो गया स्टार फिश, ठीक है, ये सपोज स्टारफिश का बॉडी समझ लीजिए आप लोग, तो यहाँ पे जो अमोनिया ये रिलीज कर रहा है, ये अमोनिया अंदर की तरफ ज्यादा है, अंदर में अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर जो एक्वेटिक एरिया है यहाँ पे अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसीलिए अमोनिया बाहर की तरफ निकाल रहा है थ्रू बॉडी सर्फेस। आई थिंक आप लोग को ये बात समझ में आई,
अमोनिया को निकालना है तो अमोनिया अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू द लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस इज कॉल्ड एज द पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे इन्वॉल्व होता तो हम इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ओके ओके, शाहनवाज आलम का क्वेश्चन है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो बच्चे देखो, अभी भी मैंने बताया कि डिफ्यूजन में कोई किसी भी प्रकार का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑस्मोसिस का बात करें तो ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। सेमी परमेबल का मतलब होता है यहां से जैसे वाटर पास कर सकता है, सॉल्यूट पास नहीं करेगा, समझ गए, उसको हम सेमी परमेबल कहते हैं। दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको समझने के लिए आप लोग को बोटनी पढ़ना पड़ेगा। इज दैट क्लियर शाहनवाज आलम, इज दैट क्लियर कि और कुछ बताए, अगर है तो बताओ, फिर से बताते हैं। ओके तो बच्चों, बहुत लोगों को डाउट है ऑस्मोसिस और म्यूटेशन में, मैं एक चीज बता दे रहा हूं, आप लोग को इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा द फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में आपको बताया जाएगा कितने होते हैं। फिलहाल आपको फिर से एक बार बता सकता हूँ बस, लेकिन मैं ज्यादा डीप नहीं जा सकता बिकॉज हम लोगों का फिर एनिमल किंगडम रह जाएगा। ठीक है, बच जाएगा, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा और जिक्र करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो मैंने बोला था जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वहां पे दो टाइप्स के मिलेंगे, एक मिलेगा पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक मिलता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्या कहा था मैंने, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट कैसे होता है, जैसे मान लो ये एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में जो वाटर है सपोज 5 लीटर है, ओके, और ये एक बीकर है और इस बीकर में वाटर कितना है, 3 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट कैसे होगा, यहाँ पे अगर हम मूव करने की कोशिश करें तो कैसे होगा, फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा तो इसको किसी भी तरह का तो एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का एनर्जी नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा जब तक इक्वल ना हो जाए, जब तक 4 लीटर 4 लीटर नहीं हो जाता ये बराबर होने तक फ्लो करेगा, एक समय आएगा जब कॉन्स्टेंट हो जाएगा, देयर विल बी नो फ्लो। लेकिन अगर मैं एक्टिव का बात कर रहा हूं तो एक्टिव में क्या बताता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सपोज यहाँ पे ऑलरेडी पानी कम है, 3 लीटर है, और यहाँ पे पानी ज्यादा है, 4 लीटर है। ठीक है, अब हमको यहाँ से और पानी ऊपर की तरफ भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, इन पैसिव ट्रांसपोर्ट व्हाट हैपेंड, the diffusion or the movement of molecules or ions from high concentration to low concentration without the requirement of energy. यहाँ पे energy का requirement नहीं है, लेकिन अगर आप इसका बात करोगे active का, यहाँ पे movement कैसे है, low concentration से high concentration with energy, यहाँ पे energy का requirement है। जैसे मान लो एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी, ठीक है, ये जो मोटा आदमी है, suppose ऐसे ही होता है आदमी, sorry ऐसे मैं बता दिया आपको, एक आदमी है, एक man है 80 केजी का, ठीक है, और एक मैन है 40 केजी का, तो ये जो 80 केजी वाला आदमी वो हेवी है, ये 40 केजी के आदमी को आराम से धक्का मार सकता है। ठीक है, आराम से धक्का निकल जाएगा, है कि नहीं, कष्ट करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो तो इसको हम पैसिवली ले सकते हैं, इसको ज्यादा एनर्जी खर्चा नहीं करना पड़ा, आराम से उसको मार के हटा दिया। लेकिन अब जो 40 केजी का आदमी है, उसको 80 केजी का आदमी को बोलो कि हटाओ, तो इसको क्या, इसको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको बहुत सारा बल लगाना पड़ेगा, तो ये एक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिव केस हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी समझ में आया आप लोग को कुछ, तो डिफ्यूजन भी क्या है, डिफ्यूजन भी एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब इस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, डिफ्यूजन में किसी भी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर हम ऑस्मोसिस का बात करें तो ऑस्मोसिस में हमेशा से एक मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है जिसका नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर प्रोसेस में आ गया तो आप बोलना कि ऑस्मोसिस है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है तो आप बोलना कि डिफ्यूजन है। ओके, अब इससे आगे अगर आपको पढ़ना है तो ट्रांसपोर्टिंग टाइम्स में आपको पढ़ा पड़ेगा।
प्लीज राइट ऑन दिस, अगर आपको समझ में आया तो। मैंने काफी हद तक क्लियर कर दिया है, बाकी आपको वहां पढ़ने हैं। तो बच्चों नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी, ये सब हो गया। नर्वस सिस्टम इसमें कैसा होता है? ओके, हियर द नर्वस सिस्टम इज सिंपल। यहां पे जो नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है वो सिंपल नर्वस सिस्टम होता है, एज वेल एज लेस डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड, एंड इट इंक्लूड्स नर्व रिंग। ठीक है, और इस सिस्टम में हमको क्या मिलेगा? नर्व रिंग देखने को मिलता है। इट इंक्लूड्स नर्व, नर्व रिंग्स, ओके, एंड रेडियल नर्व्स। सिमिलरली वो रिंग होगा और रेडियली निकला होगा, ठीक है, रेडियल नर्व्स। सिंपल सेंस ऑर्गन, यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन होते हैं सिंपल होते हैं, एंड ऑलरेडी मैंने आपको बोला ये ब्रेनलेस होता है, सो नो ब्रेन विल बी इन्वॉल्व्ड हियर। तो जैसे सेम हम आपको बताया थे किसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो यहाँ पे देखो ये रिंग होगा नर्व का और इस नर्व से रेडियल नर्व्स निकलेंगे, ठीक है, और ये रेडियल नर्व्स निकल के कहाँ जाएगा? आर्म्स में जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया रिंग और ये हो गया रेडियल नर्व्स। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल हियर। नर्वस सिस्टम का बात होता है और क्या होगा, सिंपल सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ब्रेन का यहाँ पे नामो निशान नहीं है और हार्ट का भी नहीं है सेंट्रल ये सर्कुलेटरी में। नेक्स्ट, अब बच्चों यहां तो हमने सिस्टम देख लिया है, अब जरा सा इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो कंक्लूड करते हैं मतलब जैसे यहाँ पे सेक्सेस क्या होते हैं, मतलब डाईएसीएस है, मोनोएसीएस है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, लाइफ हिस्ट्री डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, वो देख करके आज के सेशन एंड करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स इकाइनोडर्म्स हैव सेपरेट सेक्सेस, सेक्सेस सेपरेट, और जिसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं उसको क्या कहते हैं आप लोग को पता है? डाइएसिस। ओके, डाइएसिस आर आल्सो कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ओके, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ऑलवेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यहां पे, देन द लाइफ हिस्ट्री दैट इज द डेवलपमेंट विल बी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होगा तो यहां पे लार्वल स्टेज पाए जाएंगे, लाइफ हिस्ट्री इनडायरेक्ट, it includes free swimming ciliated bilateral symmetry larva, already you know that the larva is bilateral, it include free swimming then ciliated having cilia bilaterally symmetrical larva, adult kaisa hota hai radially, theek hai, bilaterally symmetrical। तो यहां पे बच्चों हमको क्या दिखेगा? मेटामॉर्फोसिस, लार्वा विल डेवलप इनटू एडल्ट, दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट। ये सब आपको मैंने पढ़ा दिया है पहले ही, ठीक है। तो बच्चों इतना ज्यादा कुछ टाइम नहीं है कि हम आपसे एग्जांपल डिस्कस करें, एग्जांपल हम आपसे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। जाकिर हुसैन क्या कह रहा है सर, डीप्लॉयड नर्वस सिस्टम कैसा होता है? ओके, आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने देखा सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, लाइफ हिस्ट्री इनडायरेक्ट है, यहाँ पे लार्वा होता है, ठीक है, और क्या देखा? मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके,
तो अब इससे जो आगे की कहानी है हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे. फॉर दिस सेशन दिस मच ओनली. आज का क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं. प्लीज डोंट गो एनीवेयर. आई विल गिव यू टाइम टू आस्क द क्वेश्चन. थैंक यू.